Hello guys, my name is Raju. Today we are going to talk about loop. What is loop in Java? Or there is another name of loop. So your topic is conditional loop in Java. What is conditional loop? And loop in Java is also known as iterative statement. Okay? सो लूप स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं, ठीक है. सो सपोज आपको एक प्रोग्राम करना है. प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 times. 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है. तो कैसे होगा ये प्रोग्राम? क्लास, लेट्स टेक द नेम ऑफ द क्लास लूप. लेट्स क्रिएट मेन मेथड, public static void main. Now we have to print hello world 5 times, so we will write system dot out dot println hello world. Then we are going to write this statement 5 times, 2, 3, 4, 5. And what if someone asks you to print hello world 10 times? So we are going to write this statement 10 times. 6, 7, 8, 9, 10. And what so if someone asks you to print hello world 1000 times? This is the problem. This is the real problem. Why we need loop in our Java? First of all, see this program. A program execute kaise hoga? A program run kaise karega? Sabko pata hai, program from top to bottom execute hota hai. Sabse pehle line number 8 execute hoga. Then line number 9. Then line number 10. हाँ, यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट स्कैनर ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें यूज़र इनपुट नहीं लेना है, ठीक है. सो रिमेंबर दैट. देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होगा. देन जैसे ही कंप्यूटर लाइन नंबर 12 को एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 12 को क्या प्रिंट कर देगा? कंप्यूटर आउटपुट दे देगा, लेट मी राइट हियर इन कमेंट सेक्शन, कंप्यूटर जैसे ही इसे रीड करेगा आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड. देन अगेन हेलो, देन अगेन कंप्यूटर विल रीड लाइन नंबर 13, फिर से लाइन पढ़ा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फिर से क्या रीड करेगा, फिर से क्या प्रिंट करेगा? सेम चीज, हेलो वर्ल्ड. फिर अगेन नाउ कंप्यूटर विल रीड लाइन नंबर 14 एंड अगेन इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड. सो ऐसे 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा. नाउ सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट 1000 times दैट हेलो वर्ल्ड, सो इज इट पॉसिबल टू राइट दैट लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड 1000 times, और मे बी 1 lakh times, 2 lakh times? नो, इज इट नॉट पॉसिबल? ओके, सो वॉट इज हैपनिंग हियर? हमारा जो जावा का इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, जैसे उसने इस लाइन को रीड किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर सेम लाइन सेम चीज़ लिखा हुआ है लाइन नंबर 13 में भी, जैसे ही रीड किया हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर लाइन नंबर 14 में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है. यानी एक ही चीज़ को कंप्यूटर अलग अलग जगह पे रीड कर रहा है और उस वर्क को परफॉर्म कर रहा है. मतलब हमें किसी से कोई काम करवाना है, जस्ट लाइक मुझे किसी को बोलना है कि 10 बॉटल पानी मुझे किसी से मंगाना है, ठीक है. मतलब मुझे किसी से बोलना है कि जाओ 10 बॉटल पानी मार्केट से लेके आओ, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? जाओ 1 बॉटल पानी लेके आओ. वो लेके आया, फिर मैंने बोला जाओ 1 बॉटल पानी लेके आओ, वो फिर लेके आया. फिर मैंने बोला जाओ 1 बॉटल पानी लेके आओ, वो फिर लेके आया. मतलब मैं एक बार में उसको नहीं बोल रहा हूँ कि 10 बॉटल पानी लेके आओ, हर सेम इंस्ट्रक्शन को बार बार दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ. इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है. सेम चीज़ हमारे प्रोग्राम के साथ है. सेम इंस्ट्रक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हमारे प्रोग्राम का जो कंपाइलिंग स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है. सो इसका सोल्यूशन क्या है? अब देखो,
अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि लाइन 10 बार ना लिखना पड़े, इसी एक लाइन को कंप्यूटर पर 10 बार रीड करे, तब भी तो सेम आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड 10 बार। कैसे? जब कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा, लाइन नंबर 12 को, तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर इस लाइन को रीड करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड। फिर इस जितनी बार इस लाइन को कंप्यूटर रीड करेगा उतनी बार प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। सो ये कैसे करेंगे? तो इसी के लिए जावा में है लूप का कंसेप्ट। ठीक है, लूप मतलब आप ऐसे समझो, लूप एक ऐसी मशीन है जो प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाती है। सो लूप इज़ अ काइंड ऑफ मशीन विच टेल्स द कंप्यूटर दैट ओके यू हैव टू एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। ओके, फिर से बोलता हूँ, लूप एक ऐसी मशीन है जो हमारे कंप्यूटर से किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराती है। क्लियर हो गया? लूप का मतलब भी समझ में आ गया होगा ना। बेसिकली लूप का मतलब क्या होता है? किसी एक सर्कुलर पाथ में बार बार घूमते रहना, घूमते रहना। तो बेसिकली यहाँ भी वही मतलब है लूप का, कि किसी भी स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते रहना, बार बार एग्जीक्यूट करते रहना। ओके, सो लूप का अगर हम डेफिनेशन देखें तो लूप का डेफिनेशन होगा, लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स इन आवर प्रोग्राम। ओके, सो लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स इन आवर प्रोग्राम। ओके ओके, एंड दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। फाइन, अब इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ आते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू बोर्ड हियर एंड लेट मी गिव इट द नेम लूप। फाइन, सो क्रिएट न्यू, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो हमारा लूप होता है, जावा में जो हमारा लूप होता है, जावा क्या किसी भी लैंग्वेज में, और तीन तरह के लूप होते हैं, टोटल तीन होते हैं। सबसे पहला व्हाइल, बेसिकली कितनी जगह पहला फॉर पढ़ाया जाता है, बट मैं व्हाइल बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड फॉर एंड थर्ड, सेकंड फॉर एंड थर्ड डू व्हाइल, डू व्हाइल, ये हमारे तीन लूप हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो ये तीन मशीन हैं, इन तीनों का काम सेम है, किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना। तो इन तीनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाइल को। ठीक है, सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? व्हाइल को। तो पहले व्हाइल का सिंटेक्स देख लेते हैं। सो व्हाइल का सिंटेक्स होगा WHILE व्हाइल, फिर व्हाइल के बाद पैरेंथेसिस में कुछ कंडीशन लिखेंगे। अभी कंडीशन क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, फिर व्हाइल के नीचे व्हाइल का ब्लॉक होगा। ब्लॉक कैसे बनाते हैं? ब्लॉक का मतलब व्हाइल की बॉडी, मतलब व्हाइल में जो भी लिखना है तो व्हाइल का कुछ एरिया होगा, उसी में तो लिखेंगे ना। सो व्हाइल का ब्लॉक डिफाइन करना। तो व्हाइल का ब्लॉक कहाँ से शुरू होगा? इसके ठीक नीचे से, और व्हाइल के अंदर हमें जो भी लिखना है उसको लिखेंगे, फिर व्हाइल को क्लोज कर देंगे। फाइन, अब व्हाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट, मतलब जिस चीज़ को हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, उसको कहाँ लिखेंगे? व्हाइल के अंदर लिखेंगे। वो कितना भी स्टेटमेंट हो सकता है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, दो स्टेटमेंट भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। स्टेटमेंट होगा, मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट टू देन स्टेटमेंट थ्री। ओके, कितना भी हो सकता है। अब
ये वाइल एग्जीक्यूट कैसे होता है, काम कैसे होता है? मतलब मैंने बता तो दिया कि ये वाइल नाम की एक मशीन है, और ये मशीन क्या करेगी, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर से बार बार एग्जीक्यूट करवाएगी, जितनी बार हम करवाने के लिए बोलेंगे, ठीक है? बट ये मशीन काम कैसे करता है? ये कुछ ऐसा ही है कि मैंने किसी को बाइक ला के दे दिया और मैंने बोला है बाइक तुम्हें कहीं भी जल्दी से पहुंचा देगी, ठीक है? तो बाइक का काम तो उसे पता चल गया, बट ये भी तो बताना पड़ेगा ना उस बाइक को चलाते कैसे हैं। द सेम थिंग हियर, ये तो क्लियर हो गया व्हाइल लूप करता क्या है, अब ये कैसे काम करता है, एक कंडीशन का मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन कैसे बनाएंगे, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? सो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने यहाँ बताया था ना। यहाँ पे प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है जब तक कि उसमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, इन सब का कुछ यूज़ ना हुआ हो, वो सब आगे बताऊंगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब कंप्यूटर ऊपर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हुआ आएगा तो सबसे पहले व्हाइल के कंडीशन पे आएगा, ठीक है? जब प्रोग्राम हमारा ऊपर से एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा तो सबसे पहले व्हाइल के कंडीशन पे आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन दो ही चीज हो सकता है, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे मैंने बोला कल बारिश आएगी, एक कंडीशन है, तो या तो ये ट्रू होगा आएगी बारिश, या तो फॉल्स होगा नहीं आएगी बारिश, ओके? अगर मैं बोलता हूँ, एक कंडीशन देता हूँ, अनुज इज एल्डर देन श्याम, अनुज इज एल्डर देन श्याम, या फिर अनुज इज सॉरी अनुज इज यंगर देन श्याम, ओके? तो या तो ये ट्रू है, अनुज श्याम से यंग है, यंगर है, या तो नहीं है, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो कंडीशन में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा। सो अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो कंप्यूटर कहाँ पे आएगा, सीधे हमारे व्हाइल के अंदर आएगा, ठीक है? कहाँ आएगा, हमारे व्हाइल के अंदर, कंप्यूटर हमारे व्हाइल के अंदर आएगा, और जो भी व्हाइल के अंदर लिखा हुआ है, व्हाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इट इज, और व्हाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जितने भी स्टेटमेंट, उन सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, उन सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इन सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा कंप्यूटर व्हाइल से बाहर नहीं जाएगा, वापस फिर कहाँ चला जाएगा, फिर वापस कंडीशन पे आ जाएगा, फिर से वापस कंडीशन पे, ठीक है? फिर इसे कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो, मैं यहाँ टी लिख दे रहा हूँ, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से व्हाइल के अंदर आएगा, फिर से सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर कंडीशन पे जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले एरो नंबर वन, सबसे पहले ऊपर से एग्जीक्यूट करता हुआ यहाँ पे आया था, देन कंडीशन चेक किया, जब कंडीशन ट्रू हुआ तो कहाँ गया, व्हाइल के अंदर, एरो नंबर टू, ठीक है? और जब व्हाइल के अंदर जाने के बाद क्या किया, पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, एरो नंबर थ्री, ठीक है? और फिर एरो नंबर थ्री है इसको, ठीक है? और उसके बाद जब सारे स्टेटमेंट व्हाइल के अंदर एग्जीक्यूट हो गए तब कहाँ गया, वापस फिर कंडीशन, एरो नंबर फोर। सो ये चलता रहेगा, कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर व्हाइल के अंदर आएगा, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हुआ, ये चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा कंप्यूटर सीधे बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर लिखना है तो वीडियो स्टॉप करके ये व्हाइल का सिंटेक्स लिख लो, ठीक है? अब आते हैं इसे प्रोग्राम करते हैं। अब जो हमारा ये प्रोग्राम था 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, या 5 बार जो भी हो, इस सेम प्रोग्राम को हम व्हाइल से करते हैं। तो व्हाइल से कैसे करेंगे, सो इतना तो हमें लिखना ही लिखना है। अब इसके अंदर पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और आई में स्टोर कर लेते हैं वन, क्योंकि कंडीशन अगर हमें बनाना है तो कंडीशन बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए और उसके अंदर कोई वैल्यू चाहिए। अब आई में मैंने वन स्टोर किया है, वन क्या है, इंटीजर, तो आई के पहले क्या लिखेंगे, आई एन टी, फाइन। अब लिखते हैं वाइल, फिर वाइल के अंदर कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
वाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ था, ये वाइल के अंदर जो भी तीन स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट जो भी ये लिखा हुआ है, ये टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? ये सारे स्टेटमेंट टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे? जितनी बार हमारा कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि हर बार कंडीशन ट्रू होने पे कंप्यूटर अंदर आ रहा है, तो मतलब जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार अंदर के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। फाइन, तो हमें वाइल के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? हम वाइल के अंदर लिखने वाले हैं, वाइल के बॉडी में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यही लाइन हमें 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है। हेलो वर्ल्ड, इस लाइन को हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है? 10 बार, यानी कि हमारा कंडीशन कितनी बार ट्रू होना चाहिए जो वाइल में कंडीशन लिखेंगे? 10 बार। तो यहाँ कंडीशन देंगे आई लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब आई जब तक 10 से छोटा है या उसके बराबर है कंडीशन ट्रू होगा, और जैसे ही आई 10 से बड़ा होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फाइन, तो अब देखो प्रोग्राम ऊपर से एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा, क्लास देन लाइन नंबर 10, देन लाइन नंबर 11, देन लाइन नंबर 12, देन लाइन नंबर 13, फिर वाइल में आएगा। तो वाइल में सबसे पहले कहाँ आएगा? वाइल में सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा? कंडीशन को। वाइल में सबसे पहले कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ देखो मैंने बताया था ना, जब प्रोग्राम ऊपर से होता हुआ आएगा तो एरो नंबर 1 देखो सबसे पहले कहाँ जाएगा? कंडीशन पे, और कंडीशन ट्रू होने पे वाइल के अंदर। सो अब आई में कितना है? अभी आई में 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10। भाई लिखा है कि 1 10 से छोटा है या उसके बराबर है, सही लिखा है, कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंप्यूटर सीधे कहाँ आ जाएगा? वाइल के अंदर, और वाइल के अंदर आने के बाद क्या प्रिंट कर देगा? वाइल के अंदर आने के बाद प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये जो आउटपुट है प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्यूटर क्या वाइल से बाहर निकलेगा? नहीं, कहाँ चला जाएगा? देखो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ जाएगा? वापस फिर कंडीशन पे, एरो नंबर 4 देखो। सो इसमें तो एक ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, अब कहाँ जाएगा? फिर से कंडीशन पे आएगा, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो आई में कितना है? आई में वो अभी भी 1 है, आई की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं। तो भाई ऐसे तो हमारा कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा, आई में हमेशा 1 रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आई असाइन विथ आई प्लस 1। अब ये तो सबको पता है कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, असाइनमेंट ऑपरेटर पता है ना किसे बोलते हैं? जो इक्वल टू का साइन है, ये इसको जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के जो भी राइट हैंड साइड में लिखा रहता है आरएचएस में, अभी आरएचएस में क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में? असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में अभी क्या लिखा है? अभी लिखा है आई प्लस 1, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? आई। तो जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहता है तो पहले राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होता है और फिर ये वैल्यू किस में स्टोर हो जाती है? आई में, ठीक है। तो आई प्लस 1, आई में कितना था? 1 था, और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और ये 2 किस में स्टोर हो जाएगा? आई में स्टोर हो जाएगा। फिर कंप्यूटर फिर कंडीशन पे जाएगा, तो आई लेस देन इक्वल टू 10, अब आई में कितना है? अब आई में 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। फिर कंप्यूटर अंदर आएगा, ये ब्रेसेस सही कर लो, फिर कंप्यूटर अंदर आएगा, फिर से लाइन एग्जीक्यूट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो क्या प्रिंट कर देगा? फिर से प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एग्जीक्यूट हो गया, आप कंप्यूटर किस लाइन पे आएगा? लाइन नंबर 17। तो फिर से यहाँ वही होगा, पहले राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होगा आई प्लस 1, तो आई में कितना है? अभी कितना था? 2 हुआ था ना पिछली बार, तो आई में 2 है, और 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। ये 3 किस में स्टोर हो जाएगा? वापस आई में स्टोर हो जाएगा, यानी आई की पुरानी वैल्यू 2 हट जाएगी और उसमें कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर कंप्यूटर कंडीशन पे आएगा, सो 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आएगा, फिर क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड, तीसरी बार हेलो वर्ल्ड। फिर आई असाइन विथ आई प्लस पे आएगा, तो अब आई में कितना है? जो राइट हैंड साइड में आई लिखा है कितना है उसमें? पिछली बार 3 हुआ था ना, 3 स्टोर हुआ था, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, और ये 4 किस में स्टोर हो जाएगा? आई में। फिर कंप्यूटर कंडीशन पे आएगा, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ऐसे चलता रहेगा, फोर्थ के बाद पाँचवीं बार प्रिंट करेगा, फिर चौथी बार, फिर पाँचवीं बार, फिर सिक्स टाइम, देन सेवेंथ, देन एट,
देन नाइन, नाइन के बाद जब आई की वैल्यू 10 होगी, मतलब जो आई 9 + 1 = 10, तो फिर कंडीशन पे आएगा। तो अब आई में 10 है, तो 10 < = 10 कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि 10 10 से छोटा नहीं है बट बराबर तो है ना। कंप्यूटर फिर वाइल के अंदर आएगा, इस लाइन को फिर एग्जीक्यूट करेगा, क्या प्रिंट कर देगा, फिर से प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। इसके बाद फिर कंप्यूटर आई असाइन विथ आई प्लस वन, तो पहले राइट हैंड साइड वाला आई प्लस वन, तो आई में कितना है 10, 10 + 1 क्या हो गया 11, तो आई में क्या स्टोर हो जाएगा 11। कंप्यूटर फिर कंडीशन पे आएगा, अब आई में कितना है 11, तो 11 < = 10 कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, और सीधे वाइल के बाहर आ जाएगा। अब वाइल के बाहर कुछ लिखा नहीं है, प्रोग्राम खत्म। सो क्लियर हुआ, अबे इतना आसान है। अब देखो अगर हमें 1000 बार कोई बोले कि 1000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो कुछ करना है, सिर्फ यहाँ पे 10 की जगह कितना कर देंगे हम, 10 की जगह 1000 कर दो, हो गया, सिंपल है। पहले हम क्या कर रहे थे, अगर 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो 10 बार एसक्यूएल लाइन लिखो। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लूप। तो अभी हमने सिर्फ एक लूप देखा है व्हाइल, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर देखेंगे और उसके बाद डू व्हाइल देखेंगे। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो i असाइन विथ i प्लस वन है, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं i++। i++ भी सेम वही काम करेगा, i की वैल्यू को हर बार एक इंक्रीज करेगा, जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा i की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इसका नोट्स बना लेना सब लोग, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे, इसको लिखोगे नहीं और इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कोई मतलब नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देन दिस इज जस्ट लाइक ए स्टोरी, एक बार सुने 2-3 बार दिमाग से निकल जाएगा। सो थैंक यू।